guys, this is Shivangi and welcome back to my channel. So today's video is a makeup tutorial where I'll be doing a very nude sort of eyes and bold lips for the Durga Puja, as Durga Puja is around the corner and everyone is in a festive mood, and same is the case with me. So I thought, why not shoot a tutorial for you guys, a makeup tutorial. So without any further ado, let's begin with it. सबसे फर्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना. मैंने एलोवेरा जेल से ऑलरेडी अपना फेस मॉइस्चराइज़ कर लिया है एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कामा आयुर्वेदिका फेस एंड बॉडी मिस्ट अपने फेस को थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए, ताकि थोड़ा रिफ़्रेश लगे मेरा फेस. पहले हम अपना आइज़ का मेकअप करेंगे, तो इसलिए मैं पहले अपने आइज़ को कंसील करूँगी, कंसीलर लगाऊँगी. मैंने फिट मी का कंसीलर लिया है इन द शेड सैंड, और मैं बस इसको अपने आईलिड्स पे लगा के छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से सारे कंसीलर को ब्लेंड करूँगी अच्छे से, ताकि जो डार्कनेस होती है आईलिड्स पे वो ख़त्म हो जाए एंड एक अच्छा बेस मिले हमें आई शेडो लगाने के लिए. मैं थोड़ा और कंसीलर लगाऊँगी ताकि जो पिगमेंटेशन है आईलिड्स पे वो एकदम ख़त्म हो जाए, एंड देन मैं बस मेबलिन का वाइट सुपरफ्रेश कॉम्पैक्ट से अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी. ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने एले गर्ल का प्रो कॉन्टोर पाउडर लिया है, और मैं इसमें जो ब्राउन शेड है उसे अपने क्रीज पे लगाऊंगी ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन में. आई शेडो ब्रश पे ऐसे आप करें जिस तरीके से मैं इसमें कर रही हूँ वीडियो में. मैं इस आई शेडो को अपने क्रीज एरिया पे लगाऊंगी ताकि एक डेफिनेशन मिले आईज को, और बाकी सारे आई शेडोज अच्छे से ब्लेंडेड लगे. तो बस अपने आई शेडो ब्रश को बैक एंड फोर्थ मोशन में घुमाइए एंड सब कुछ सारे आई शेडो को ब्लेंड कर लीजिए अच्छी तरीके से. मैं इस लुक के लिए रेवोल्यूशन का फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव पैलेट यूज़ करूँगी, और ये गोल्डन आर शेड मैं अपने पूरे आईलिड्स पे लगाऊँगी. ये बहुत ही सुंदर गोल्डन शेड है, आप अपनी फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने आईलिड्स पे ये शेड लगाने के लिए. आई गेस फिंगर्स ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं आपको अगर अपना कलर पैड करना है आईलिड्स पे. ये डार्क ब्राउन आई शेडो लूँगी, इसका नाम है ड्रामा क्वीन, और मैं अपने कॉर्नर जो है आईज़ का जो आउटर वी है मैं उस पर इस आई शेडो को लगाऊंगी, और ज़्यादा कलर इंटेंसिफाई करूंगी मैं कॉर्नर पे एंड आगे की तरफ मैं लाइटली ब्रश करूंगी अपने आई शेडो ब्रश से, ताकि इंटेंसिटी जो है कलर की वो कॉर्नर पे दिखे बट एक ब्लेंडेड लुक आए पूरे आई शेडो का. एंड कीप ब्लेंडिंग अंटिल यू आर सेटिस्फाइड विद द आई शेडो लुक यू आर क्रिएटिंग. और ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो हार्श एजेस दिखेंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. तो जितना आप आई शेडो को ब्लेंड करेंगे उतना ही ब्यूटिफुली वो लगेगा बाद में. एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं वही कलर लूंगी एंड अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी. सिर्फ आधे में ही लगाना है, पूरे में ही लगाना, अदरवाइज आपकी आईज़ बहुत स्मॉल लगेंगी, इसलिए सिर्फ आधे ही लोअर लैश लाइन में आपको ये कलर लगाना है. नेक्स्ट आप अपने एक फेशियल वाइप से आप जो ग्लिटर नीचे फॉल आउट हुआ है, ग्लिटर जो गिरा है आई शेडो का, उसको हटा लीजिए एंड क्लीन कर लीजिए ताकि हम बेस लगा सकें. मैं मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लूँगी और अपने हाथ पे थोड़ा सा निकाल के अपने फेस पे लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स ओनली. ये मेरा पर्सनल फेवरेट फाउंडेशन है बिकॉज ये एक मैट लुक देता है एंड एवरीडे बेसिस के लिए बहुत ही अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है. मैं इसको नेक पे लगाना ना भूलें, पूरे फेस पे लगाएं एंड देन आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको पूरा ब्लेंड कर. फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना और टाइम लगाना फाउंडेशन ब्लेंड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी एक नेचुरल फिनिश मिलता है. अदरवाइज आपका फाउंडेशन बहुत किकी लगेगा अगर आप उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो. आप स्टिपलिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली लाइक यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर. सो मैं पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड मैं अपनी नेक पे भी जो है
फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी अच्छे से ताकि एक इवन लुक आए पूरे फेस और नेक का. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई द कंसीलर. तो मैं वही फिटमी का मेबेलिन फिटमी कंसीलर लूँगी एंड मैं अपने जहाँ पे भी मार्क्स हैं यहाँ पे भी पिगमेंटेशन ज़्यादा है वहाँ पे मैं इस कंसीलर को लगाऊंगी एंड छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इस सारे कंसीलर को ब्लेंड करूँगी अच्छे से. मैंने यहाँ पे मेबेलिन का फैशन डुओ पेंसिल लिया है. ये आई गेस ब्राउन शेड में है. एंड नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट करूँगी अपने कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ मेबेलिन सुपरफ्रेश कॉम्पैक्ट ताकि जो ऑयलीनेस है वो थोड़ी कम हो जाए एंड जो फाउंडेशन है कंसीलर है वो काफ़ी फ्रेश लगे और हमारा जो कंसीलर है स्पेशली वो क्रीज ना हो. इसलिए पाउडर लगाना सेट करना अपने बेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ अप्लाइंग द ब्लश. मैं ये एसेंस का ब्लश लूँगी. आई पता नहीं इसका कौन सा नंबर है या शेड है बिकॉज मैंने इसको इतना यूज़ किया कि सब प्रिंट इस पे से हट गया है. नेक्स्ट मैं वही एले गर्ल का प्रो कॉन्टोर पाउडर पैलेट लूँगी और मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी अपने चीक पे लगाऊंगी एंड देन अपने जॉ लाइन पे अपने फोरहेड पे मैं अपने पूरे फेस को कॉन्टोर करूंगी ताकि थोड़ा कलर और डेफिनेशन मिले मेरे पूरे फेस को. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई मस्कारा. आई एम यूजिंग द लॉरल मिलियन लैशेज मस्कारा और मैं इसको अपने अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन दोनों पे लगाऊंगी. अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं मेबेलिन का मास्टर स्ट्रोबिंग स्टिक यूज़ करूंगी और अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी. इसमें सारे ही प्रोडक्ट्स मेबेलिन के हैं बिकॉज मेबेलिन इज़ माई पर्सनल फेवरेट. काफ़ी बजट फ्रेंडली है एंड काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मेबेलिन के. फॉर दिस लुक आई हैव गॉन फॉर फॉल्सीज. आई एम यूजिंग द पैक M72 लैशेज. आई गेस वो पूरे ही फेस्टिव लुक को कम्प्लीट करेगा और इस लुक के लिए आई गेस फॉल्सीज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी. और बस मैं ये वाइट आई शेडो लूँगी ये वाइट सिल्वर आई शेडो और अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी और मैं इनर कॉर्नर पे लगाऊँगी ताकि जो आईज़ है वो ओपन अप लगे और काफ़ी बड़ी नज़र आए. लिप्स के लिए मैंने पैक का लव सीकर क्रेयॉन लिया है. अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टीथ पे लिपस्टिक ना लगे तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक्सेस लिपस्टिक को निकालने का. एंड दैट्स इट द मेकअप इज़ ऑल डन एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. Video. I hope you enjoyed watching the tutorial and if you did, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, it means the world to me, trust me. And happy Durga Ashtami to everyone, happy Durga Puja to everyone, and I'll see you guys soon in the next video. Bye.